गार्लिक लच्छा पराठा। इसके लिए हमने लहसुन को कुछ लहसुन की कलियां लिया हमने, इसको इस तरीके से इसका छिलका उतार लिया है। आप देख सकते हैं दो तीन लहसुन था इसकी, उसको हमने कलियों को अलग अलग कर लिया है और इस तरीके से छील लिया है। और थोड़ा सा नमक लिया हमने और चिली फ्लेक्स है और इसको हमने ऐसे बारीक काट लिया है, इसको धो के अच्छे तरीके से उसको बारीक काट लिया है। अब ये जो लहसुन की कलियां हैं इसको ऐसे हम बारीक चॉप कर लेंगे इसमें डाल के, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं इसको। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं, कूट के भी इसका बारीक पेस्ट बना क्रश कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसका बारीक हमने क्रश, इस तरीके से हमने बारीक क्रश कर लिया है इसमें चॉपर की सहायता से। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस करने वाले पे भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। इसको हमें बारीक क्रश करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसमें निकाल के फिर दिखाते हैं। इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है इस तरीके से, देख सकते हैं ये देखिए इसको हमने इतना बारीक चॉप किया है, सॉरी क्रश किया है इस तरीके से। देखिए लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने ये लहसुन की कुछ कलियां लिया था उसको हमने छील लिया था और छील के इसको हमने चॉप कर लिया है चॉपर की सहायता से। धनिया की कुछ पत्ती लिया था, धनिया हमने इसको भी धो के अच्छी तरीके से और उसको ऐसे बारीक काट लिया है। और थोड़े से हमने चिली फ्लेक्स लिया है और ये नमक लिया है, दो चम्मच करीब नमक है हम इसको यूज करेंगे। अब हमने लिया ये परात और इस परात में डालेंगे हम तीन कप आटा। देखिए हमें इसमें तीन कप आटा डालना है, तीन कप आटा हमने डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम दो चम्मच अजवाइन, इसको ऐसे हाथों से क्रश करके हम डाल देंगे। और इसमें दो चम्मच नमक डालेंगे हम, दो छोटी चम्मच नमक हमने इसमें डाला है। और चार पांच चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे हमें अच्छी तरीके से इसको मैन देना है, इसको अच्छी तरीके से यानी कि मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसका हम डो तैयार करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे ऐसे इस तरीके से। एक साथ पूरा पानी डालना है, एक कप पानी की वजह कर लिया था और एक कप और पानी लेके इसको ऐसे चारों तरफ फैला के और इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें हार्ड ही रखना है, ज्यादा सॉफ्ट डो हम तैयार नहीं करेंगे और ज्यादा हार्ड भी हमें रखना है, मतलब बीच का हमें डो तैयार करना है, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। पानी डाल लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमें डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं दो कप पानी यूज किया है इसमें। तीन कप आटा लिया था और दो कप पानी, इस कप से हमने दो कप पानी इसमें इस्तेमाल किया है। अब आटे को हमने डो बना लिया है, इसको ढक के रखेंगे और इसको 5-7 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अब गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने जो आटे का डो तैयार किया है इसमें से थोड़ा सा पार्ट ऐसे ले लेंगे इस तरीके से और इसका लोइया बना लेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें लोइया बनाना है और थोड़ा सा आटा इस पर हम लगा लेंगे और फिर इसको हम बेलेंगे इस तरीके से। हम इसको बेल लेते हैं, इसे हमें बेलना है, इसको बेल लेते हैं हम इस तरीके से। अब इसको हमने बेल लिया है, अब इस पर हम क्या करेंगे अच्छी तरीके से इस पर हमें, इस पर हम घी या बटर या कुछ भी जो आपके पास हो इस तरीके से हम लगा देंगे। हमने घी लगाया है इस तरीके से, अगर आपके पास आप जो पसंद करते हैं लगा सकते हैं घी रिफाइंड बटर या हमने घी का इस बटर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमने इस पर घी डाला है, एक चम्मच घी डाल दिया हमने, इसको इस तरीके से प्रेस कर लिया और फिर जो गार्लिक को हमने क्रश करके रखा है इस तरीके से इस पर डाल देंगे, फैला देंगे इसको चारों तरफ। इसके बाद थोड़ा सा हम इस पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और धनिया का पत्ता इसमें थोड़ा सा डाल के इस तरीके से प्रेस कर देंगे, आप देख सकते हैं। अब इसको हम इसी तरह अपोजिट करेंगे, अपोजिट हमें इसे प्रेस करना है, इस तरीके से करना है फिर इस तरीके से और फिर इसको हम अपोजिट ले जाएंगे, प्रेस करेंगे इस तरीके से और फिर इसको हम क्या करेंगे इस
तरीके से करके हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हमें इस तरीके से हाथों से प्रेस कर लें। अब इसको हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसके, और इसको ऐसे घुमा लेंगे। इस तरीके से हमें घुमाना है एक तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे, और फिर राइट साइड से इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे, और घुमा के इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे ऐसे। प्रेस करते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम इसे प्रेस कर लगाएंगे। ये देखिए फिर काफी लेयर इसमें आ गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें प्रेस करके, और फिर हमें थोड़ा सा आटा डाल देंगे, और फिर इसको हम फेल लेंगे इस तरीके से। फिर हम प्रेस कर देते हैं, फिर फेलेंगे इसको इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें फेल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे लेयर बन गए हैं इसमें, इसको हम अच्छी तरीके से फेल लेंगे ऐसे। ये देखिए हमने फेल लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको बेल लिया। ये देखिए फ्रेंड्स तवा को हमने पहले ही चढ़ा दिया था, और तवा हमारा गर्म हो गया है, गैस ऑन करके हमने तवा को पहले ही चढ़ा दिया था, तवा हमारा गर्म है। अब इसको डाल देंगे इस पराठे को, इसको सेकने देंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। एक तरफ से पक जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसको ब्रश लगा देते हैं एक तरफ से, और फिर दूसरी तरफ से भी पलट के हम पकाएंगे। अब हम अपना फ्लेम हाई कर लेते हैं, और दूसरी तरफ से भी पलट के हम पका लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ से भी ऑयल हम लगा देंगे इस तरीके से, अच्छी तरीके से पलट के भी हमें इसे पकाना है। और फिर पलट हमने अपना फ्लेम मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे, जिससे ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से लटके पलटते हमें इसे पका लेना है, क्या होता है। और इसमें जो हमने आयल का मैन दिया है डाल के, जो आटे में मिक्स करके डो बनाया है, बहुत टेस्टी तैयार होता है फ्रेंड्स, आप इसका जरूर ट्राई करें। ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। इसको हमने इस तरीके से हमने सारे पराठे बना लिए हैं, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।